ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन प्रकार के अपुष्यड है, एक है भागवत, दूसरा है गीता, तीसरा है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था, गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाया, क्या किया? स्नेह प्यार दिया, उसको कहते हैं भागवत। जब कृष्ण बड़ा हो गया, गोपिकों को भी छोड़ कर गए, नष्ट मोह बन कर गए, कुरुक्षेत्र में गया और अर्जुन को गीता का ज्ञान की गहरी बातें सुनाई, और 18 दिन तक सुनाता रहा, वो क्वेश्चन करता रहा, मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरे भाई है, ये इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं, लास्ट में अपना रूप दिखाता, मैं तुमको कहने वाला कौन हूं। और तब जाकर के अर्जुन क्या करता है, उसके चरणों में आया, समर्पित हो गया और कहता है प्रभु प्रभु प्रभु। जब उसने मान लिया तब उसका सारथी बना और उसको विजयी बनाया। इसी तरह यहां ब्रह्मा कुमारी के तीन अपुष्यड, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, स्नेह प्यार दिया, इसको कहते हैं भागवत। उसमें कह रहे हम लोग तो थे ही नहीं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा ने दादी को निमित्त बनाया और जगह जगह पर सेंटर्स खोले, गीता की गहरी बातें सुनाई, इसको कहते हैं भागवत। और 80 कितना सालों से बाबा गीता का ज्ञान दिया, कितने सारे सेंटर खोले, फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम गृहस्थ में रहते हैं, हम पवित्र कैसे रहेंगे, ये नियम का पालन। बाबा कहता है कहने वाला मैं कौन हूं, मैं तुमको कोई कोई बहने नहीं कह रहे, स्वयं बाबा कह रहे हैं। और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, उसके सरेंडर हो गए, उसका ही बाबा सारथी बनेगा।